बैक टू माई न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि मेरा कल ब्लॉग नहीं आया, आप सब बहुत परेशान हो जाते हो जब मेरा ब्लॉग एक दिन नहीं आता। मेरे रील्स पे कमेंट आने लगते हैं कि ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो थोड़ा बिजी चल रही हूँ इसलिए गाइज। हम लोग फ्लैट वगैरह आप लोगों को पता है शिफ्ट कर रहे हैं, तो फ्लैट की शिफ्टिंग के लिए फ्लैट वगैरह देख रहे हैं। कुछ बजट में नहीं आ रहा, कुछ बहुत रेट हाई जा रहे हैं। नूना को लेके गई थी आज मैं, ब्लॉग मैंने इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि यार जगह जगह जाओ जाओ इरिटेट हो जाती हूँ मैं। फिर जब तक फाइनल नहीं होगा इसलिए तब तक मैं व्लॉग शूट नहीं करूंगी। कोई बजट से हाई जा रहा है, कोई बहुत कम है, कोई स्पेस अच्छा नहीं लग रहा, कहीं पार्किंग नहीं मिल रही क्योंकि 2 महीने बाद गाड़ी भी आ जाएगी तो कार पार्क कहाँ करेंगे, कहीं लिफ्ट नहीं मिल रही तो कहीं पर 5th फ्लोर मिल रहा है, तो बहुत दिक्कत है। और मेन दिक्कत है बजट की, तो बस इसी चीज़ों में बिजी चल रहे हैं। तो अब कुछ फाइनल करे हैं मैंने, अब डीलर्स वगैरह से बात करनी है तो फाइनल कर लिया। मेरा काम भी थोड़ा रुक रहा है यहाँ पे, तो इसलिए आज मैं फ्लैट पे जा रही हूँ। अभी मैं अपनी पैकिंग करूँगी, सामान भरती हूँ अपना। मम्मी भी घर गए हैं, वो अपनी पैकिंग करेंगे, मैं अपनी करती हूँ, फिर चलते हैं घर। ये बैठिए गाइस, आज इसका मूड ठीक नहीं है, मत दिखाओ। वो पहले कह रही है ठीक है, और यही 2 दिन से बोल रही है ब्लॉग नहीं बना रही। अब बना रही हूँ तो कह रही है मूड ऑफ है। तो चलो मम्मी आ जाएगी। इनकी वजह से हुआ है, गुन्नू ने इसका मूड ऑफ कर दिया। गुन्नू, अरे ये तेरा पागल बना रही थी। पागल बना रही, गुन्नू ने बोला हम ना यहाँ से जा रहे हैं। जब चली जाऊंगी ना तो पी के मेरी यादों में रोती रही हो तू। मम्मी बैंक गई थी, अभी तक आई नहीं है, और इसे सुला तू तो सो रहा था। उठ मत। देखो गाइस को उठने की कोशिश। अरे यार मुझे लगा कि तू सो रहा है उल्टा होके। कैसे उल्टी होके लेटती है तो इसका मतलब है सो गई है। चल सो जा, चले। मम्मा का पागल बना रहा था। इतनी देर से मैं तेरे पैर दबा रही हूँ, ऐसे ऐसे कर रही थी, खामा खाई। चो जा। माची चो गई, तू नहीं चोया अभी तक। देखो गाइस उठने की कोशिश, देखो उसे पकड़ के। मेरा आलू बुखारा, मेरा आलू बुखारा। कौन लाया टॉय? पहले बताओ कौन लाया, पापा? पहले बताओ कौन लाया, पापा की ताऊ? दो गाड़ी आई है, दो कहाँ पार्क करेंगे इन्हें? तुम्हें देख रही है चढ़ा। मम्मी आई ऐसे कर रही है जैसे मम्मी विलायत से आई है। चली 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 चली, अब तुम्हारे को गोदी ले लो। घर मैं ऊपर में जा रही हूँ सामान भर के, ये आ रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। क्या आ ही रहे हैं अभी, वैसे सामान देखो कितना हो जाता है। आ गए थे फ्लैट पे, आते ही मैं नहाई पहले, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी ना आज, तो मेरे को बहुत इरिटेट हो रहा था। फिर मैं नहाई, ये रे कपड़े कितने फैल रहे हैं देखो, सामान वो सारा। और मैं आटा गूंद लिया मैंने, वहाँ रख दिया। भिंडी ये रही अब काट के बना रही हूँ। फिर मिट्टू और नितेश की कॉल आई, कह रहे फ्लैट पे आ गए तो हम भी आ रहे हैं। मैंने कहा चल आ जाओ, तो वो भी आ रहे हैं। मैंने उसको बोला बहन तू कुछ सब्जी ले आई हो, मैं रोटी और भिंडी तो बना ही रही हूँ फिर भी। तो अब वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। मैं नहा भी ली थी और बहुत लेट हो गई है, 11 बजने वाले हैं। तो चलो मैं सब्जी बना लेती हूँ फटाफट, वरना भूख लगेगी। और रात को अपन रही सब्जी नहीं सीखी, हम आए थे आज फ्लैट पे लेट 4-5 दिन बाद। वो भी बस इसलिए आया, पैकिंग वगैरह करेंगे और बस पैकिंग करेंगे और फिर हम जाएंगे यहाँ से। हमने गाइस को बताया कि हमने बहुत बहुत बजट के फ्लैट देखे, मतलब कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, कोई कुछ, पर बजट नहीं है इतना हमारा, क्योंकि अभी हमने गाड़ी भी ली है तो इतने महंगे फ्लैट का तो हमारा कुछ नहीं बन पाएगा, तो इसलिए हम अभी भिंडी की सब्जी खा रहे हैं, पनीर नहीं खा रहे। भगवान ने ना एक साथ हमारे ऊपर ऐसा लोड डाला कि सब चीज कर लो एक ही बार। देखो गाइस अब क्या होता है, कोई नहीं सब हो जाए। वो सोच रहे लीज पे ले या क्या करें। वैसे हमारा घर भी बनने ही वाला है, जगतपुर में ऊपर बन रहा है, हमारा घर भी बन जाएगा, बस चल रही है प्लानिंग, और जल्दी बन जाएगा। ऊपर बन जाएगा तो फिर हम ऊपर ऐसा सेटअप बनाएंगे, हम अपना फ्लैट भी रखेंगे अपना बाहर और ऊपर भी रखेंगे, वहाँ भी रुको जब जामन करे। जैसे कोई मेरे फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं चाहते फ्लैट पे चलेगी कि अच्छे से हमें ब्लॉगिंग वगैरह करनी, एंजॉय करना है, फ्लैट पे चले गए। वैसे हमारे घर पे भी कोई मतलब होता है ना, एक रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगा देते हैं,
कि नहीं भाई कुछ नहीं करना, तो हमारे घर पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना, सब कुछ ही है, ओपन ही है मेरे घर में, तो ससुराल में भी मायके में भी दोनों तरफ दोनों फैमिली ऐसी है मतलब कि। हाँ मैं, मेरे तो दोनों तरफ ऐसे ही है कि कुछ भी किसी चीज की रोक टोक तो है नहीं, बस ये थोड़ा गांव में गांव की तरह कपड़े पहनने पड़ते हैं और शहर में शहर की तरह, और कपड़े मेरे लिए इतने ज्यादा वैसे मैटर नहीं करते हैं ना पम्मी, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो सूट भी पहन लेती हूँ, और वैसे मेरे यहाँ तो जीन्स टॉप भी मना नहीं है, मैं ओपनली जीन्स टॉप पहन के भी बाहर निकल जाती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। जब पियाजी राजी तो क्या करेगा काजी, बट फिर भी देखो देखते हैं कब बनेगा हमारा ऊपर, भगवान आप लोगों की दुआ रही तो जल्दी ऊपर भी बना लेंगे घर पे, और फिर हम मतलब कि सेटअप, मतलब ऊपर का सेटअप ना ऐसा बनाएंगे बढ़िया एकदम, मतलब कि फिर हम यार फ्लैट भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब फ्लैट भी रखेंगे अपना और ऊपर भी रखेंगे, फ्लैट इसलिए रखेंगे मतलब कि जैसे एक सामान एक्स्ट्रा बाहर रखूंगी, एक साइड यहां रखूंगी, अपना बाहर एंजॉय, अपने फ्लैट पे एंजॉय, एंजॉय अपने यार दोस्त आ गए कोई तो उनके साथ अपने फ्लैट पे ना ऐसा करेंगे, जिम का सामान रख के जिम खोल लेंगे। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, खाना खाके। आ चुके हैं और मुझे फोन करके कहती है व्लॉग मत बनाना, क्योंकि गाइस मुझे पता था ये उनका ड्रेस पहन के आएगी बच्चों वाला, और बोलेगी व्लॉग मत बनाना, क्या रहा है जीजू सब्जी लाया वो भी बह के सारी बहन। हाँ आज मैं बहुत ज्यादा क्यों बोल रही थी व्लॉग मत बनाइयो, क्योंकि आज मैंने बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया। अच्छा तो कॉल पे मेरे को बोल रही बहन तू व्लॉग मत बनाइयो, मैं पता नहीं क्यों बोल रही है, भिंडी बना रही हूँ क्योंकि ना मैंने गाइस को बता दिया है कि हम आखिरी बार मेरे फ्लैट पे आए हैं। अच्छा ये शख्स रोटी खा के आए है और हमारे लिए रोटी बन रही है, सुबह ये पराठे बनाएगी क्योंकि इसने नेल्स उतार लिए, सुबह पराठे बनाएगी मिट्टू फटेवट परांठे। हेलो गाइस, हाउ आर यू, थैंक यू, मैंने बोल दिया ना छोटे से फाइन, थैंक यू, आई एम थैंक यू, तू स्कूल भी गई है, स्कूल गई तू, आई एम फाइन थैंक यू, तुझे तो भी स्कूल जाना सही है, इसका एडिशन करवा देंगे तेरे, सही में नहीं, तू तो अभी स्कूल ड्रेस पहन के चली जा ना तो मास्टर भी कहेगा वो स्टूडेंट ही है बालक की। सही है, अपने स्कूल में ब्लॉग बना, फेस भी इसको सही है, हम तो खाना खाना रहे थे, खाना खा रहे थे, हम कहाँ गए गाइस, मिट्टू की तबीयत खराब हो गई तो हमें दवाई लेने 24/7 आना पड़ा, उसका मूड खाइए गाइस मुंह देखो कैसा हो रहा है, बहुत बीमार हूं गाइस, और 24/7 आना पड़ा, पम्मी और नितेश आ नहीं रहे थे, फिर मैंने उनको बताया इसकी तबीयत खराब हुई है, तब आए हैं लेके, हम रेल की पटरी पे चला रहे हो गाड़ी, रेल आ गई गाइस, हम ट्रेन खड़ी यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है आपको, ये हम आ गए मालगाड़ी पे आ गई है तो, और पता नहीं अब हम कहाँ जा रहे हैं गाइस, रास्ता तो ना था जीजू ना, हमें मैप से ला रहे थे, पता नहीं कहाँ रेलगाड़ी की पटरी पे लिया है, और कहीं खंडर में आ गए हम, शीशा बंद कर लो, ये तेरे पति ने डाली है खूफनी जगह, यार हम किसी खूफनी जगह आ चुके हैं, और वी आर वेरी क्या बोलते हैं, हम बहुत स्केयर्ड हो रहे हैं जी, पाताल लोग ना 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 तू जाए, हमने अपोलो से और अब हम चल रहे हैं घर को गाइस, हम आए हैं कितने 16 किलोमीटर है ना गाइस, हम 16 किलोमीटर आए हैं इसको दवाई दिलाने के मारे, वो भी हमने 24/7 ढूंढा कहीं पे मॉल, कौन सी जगह है जी ये, मम्मी तेरे से कितनी बार मना करी है, गाड़ी तेरे फिर यहाँ खड़ी कर दी यार, अरे ये नहीं है किया थोड़ी है पागल, अच्छा किसी और की है गाइस, सॉरी मैं पता जहाँ पे भी किया देखती हूँ, मैं कहती हूँ मम्मी यहाँ खड़ी कर दी, कुछ लेना क्या लेना, अच्छा मतलब अपना काम हो गया तेरा तो, तू ऐसे करे, 7 से मिट्टू की गैस बन रही है तो मैंने तो अपने लिए चिप्स लिए, गैस मिटाने को लिमका, मिट्टू की गैस बन रही है इसलिए लिमका लिया, जीत गई, और गाइस हमने लिफ्ट के सारे बटन दबा दिए, थके गाइस हम बहुत, मैं तो भाग भाग के आई हूँ इसलिए थक गए, रात को खाना खा के रोटी वाली जॉगिंग कर ली ना, हां तो भी गेट पे लटका कर, हम
मेरे तो दिल गए तो हो सकती है, तू भी हो सकती है बहन। मैंने गाइस पता क्या कही कि भगवान ने मेरे को ठीक बनाया, थोड़ी हाइट और दे देती। मेरा मुंह पर मारो दरवाजा। मॉर्निंग तो गाइस हम लोग उठ चुके हैं, फोटो बहुत देर के गए हैं। वैसे मम्मी उन्होंने तेज गए हैं, इसने कुछ मंगाया इसके लिए लेने। मैं बना रही हूँ चाय पराठे। बोलती है हर बार मैं बनाऊंगी, बनाती है वो झूठी है। देख तो रोज ही तबियत खराब होती है। मैंने जितना आटा था उन सबके पराठे, भिंडी, नमक पारे, लेस दिखाना, फोन दिखाना जीजू 15 प्रो मैक्स। यहाँ टीवी भी चल रहा है, व्लॉग भी एडिट हो रहे हैं, साथ साथ लोगों के सब हो रहा है काम। अंडों की थैली भी फटी, अंडे फट जाते हैं मेंटल। तो गाइस अभी मैंने नाज छिला और निशी कर दिया कॉम। तो अभी सब उठे हैं, मिट्टू बर्तन धोएगी, झाड़ू लगा रही है और हम बेड पे, देख बर्तन धोने को कहा है, हम बेड पे राजा विश्राम कर रहे हैं। पहले तो सामने बताया दोनों ने मिल कपड़े धोए हैं। हम नारियल खा रहे हैं दोनों, विश्राम कर रहे हैं। मुझे दिया था पंडित जी ने नारियल खाने को कि तुम खाना, इन्होंने खा लिया। और ये काम वाली बाई काम कर रही है। इतने सारे है उन्हीं में तू नहीं करे आधे नाश्ता भी नहीं बनाती एक तो मैंने खाया भी नहीं है। पराठे तो भर रही थी तू, क्रॉस कर लो, कौन बर्तन धोएगा कौन झाड़ू लगाएगा, क्रॉस क्रॉस कुछ ना होएगा, यही धोएगी बर्तन, पोछा भी मारेगी, फिर मैं बर्तन धोऊंगा। ठीक है जा। ये बर्तन धो लिए इतने सारे और मैं झाड़ू मार रही हूँ, बड़ी मुश्किलों से हाथ में आई है मुर्गी। अच्छा। हम दोनों तैयार हो गए, दोनों को ये ड्रेस पहन के रील बनानी थी, इसको अपनी जैकेट पहन के, तो अब हम जा रहे हैं रील बनाने। सीधा तैयार होते ही मेरा गला सुना कितना बुरा लगता है गाइस, मेरा मंगलसूत्र तो टूट गया, नया लूंगी। चलो चलते ही हो गया, चलो मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए डाटा बाय बाय, लव यू। ये भी जा रही है मिट्टू भी, अब फोन भी कितना गंदा हो रहा है, स्क्रीन भी गंदी आ रही होगी। चलो कोई नहीं, अब ब्लॉग का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए डाटा बाय बाय, लव यू। ये भी आ गई चेंज कर दी, बाय बाय।